वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिसिंग पुणे महाराष्ट्र सिंस मोर देन 12 इयर्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या करें कि जिससे दांत मसूड़े सब हेल्दी रहे। एंड आज आपको एक होम रेमेडीज बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने माउथ के हर समस्या को ठीक कर सकते हैं। अगर आपके माउथ में बैड स्मेल आती है या फिर पस आता है या फिर कोई और प्रॉब्लम है दांतों से रिलेटेड, कोई भी समस्या है, तो अगर आप इस होम रेमेडीज को रेगुलर करोगे, डेली इस्तेमाल करोगे, तो यकीन मानिए आपके दांतों की समस्या धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी एंड आपके दांत एकदम से हेल्दी रह जाएंगे, आपके मसूड़े हेल्दी हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं ऐसी होम रेमेडीज क्या है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दांतों की समस्या एक आम समस्या है एंड हर दूसरे या तीसरे पर्सन के माउथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। चाहे तो उसको बैड स्मेल की प्रॉब्लम हो, या मसूड़ों से खून आता हो, या मसूड़ों में सूजन हो, या फिर दांत से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, जैसे कि दांतों में कैविटी लगना, दांतों से पस आना, या फिर दांतों में दर्द होना। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ही कॉमन है, मोस्टली लोग किसी न किसी प्रॉब्लम से परेशान है। आजकल देखा गया है कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है बच्चों में भी बहुत कॉमन हो गई है, बच्चों के माउथ में भी ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आज आपको एक होम रेमेडीज बताने वाली हूँ जिसके हेल्प से आप इस सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है जिससे आप अपने दांतों के, अपने मसूड़ों में जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको दूर कर सकते हैं एंड जिससे कि आपके माउथ एंड आपके गम्स, आपके टीथ हेल्दी रहेंगे। तो आज जानते हैं कि ऑयल पुलिंग करते कैसे हैं, क्यों किया जाता है एंड इसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑयल पुलिंग करते क्यों हैं। ऑयल पुलिंग एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है, आयुर्वेद में इसको बहुत सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन अब इसको मेडिकली भी किया जाता है। इफेक्टिव रीज़न ये होता है कि माउथ में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये उस बैक्टीरिया को हटाने में अच्छे से साबित हुआ है। ये उन बैक्टीरिया को किल कर देता है एंड उनको हटा देता है जिससे कि आपके माउथ हेल्दी रहेंगे एंड आपके गम्स हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर आप इसको रेगुलर बेसिस में काम करते हो, रोज आपको इस्तेमाल करते हैं, या फिर हफ्ते में आपको 3 या 4 बार अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ही ये इफेक्टिव है, क्योंकि अगर आप बहुत कम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आप पे काम नहीं करेगा। तो इसको हैबिट आपको रोज रखनी है कि जैसे आप अपने योगा की हैबिट होगी या कुछ भी आप काम करते हो कि कुछ भी काम करने का एक रूटीन है, उसी तरीके से आपको ऑयल पुलिंग एक रूटीन में लेके आना है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा इश्यू हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये यूज टू नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आपको आदत पड़ जाएगी तो ये बहुत ही इफेक्टिव आपके लिए साबित होगा। तो जैसे कि आप नॉर्मल ब्रशिंग वगैरह ये करते रहते हो, तो इनके साथ साथ भी आपको ऑयल पुलिंग करना है। तो ऐसा नहीं कि ऑयल पुलिंग आप कर रहे हो और ब्रशिंग छोड़ दो, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ब्रशिंग और जो आप फ्लॉस यूज करते हो, माउथ को क्लीन करते हो, उसके साथ साथ अगर ऑयल पुलिंग करोगे तो आपके गम्स, आपके दांत हेल्दी रहेंगे। आइए जानते हैं कि कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए मोस्टली जो ऑयल यूज किया जाता है वो होता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल को आपने मॉर्निंग के टाइम पे बिफोर ब्रेकफास्ट अगर आप इसको करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि उस टाइम पे माउथ के बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप उस टाइम पे उसको क्लीन कर दो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको क्या करना है, 1 या 2 स्पून कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल आपने अपने माउथ में रखना है एंड उससे माउथ में चारों तरफ उसको घुमाना है, पीछे के दांतों में, आगे, ऊपर, नीचे, अच्छे से आपको उसको घुमाते रहना है। ये प्रोसेस करने में आपको हो सकता है 5 से 10 मिनट लगे, तो कभी कभी इनिशियल स्टेज में आप इससे 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आप थक जाओगे या माउथ में सलाइवा आ जाएगा, तो उस वजह से आप इसको नहीं कर सकते 2-3 मिनट से ज़्यादा। लेकिन बाद आपको इसको स्पिट आउट करना है, लेकिन अगेन दोबारा से ये ऑयल लेना है, दोबारा से अच्छे से मसाज करना है या कूला टाइप का करना है, जैसे कूला करते हैं उस तरीके से आपको चारों सरफेस में, दांतों की हर सरफेस में आपको घुमाना है। तो अगर आप ऐसा रेगुलर करेंगे, 5 या 10 मिनट तक आप रेगुलर करते हो, तो आपके दांतों में, आपके मसूड़ों में
काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। आप अगर आपके दांत में ऑलरेडी गंदे हैं, आपकी कैविटीज लग चुकी है, तो भी आप इसको कर सकते हो। इससे आपकी जो माउथ में जो ब्लीडिंग हो रही होगी या फिर जो गंदी स्मेल आ रही है या फिर कैविटी की वजह से अगर जो दर्द हो रहा है तो वो भी आपका कम हो सकता है, वो भी आपका धीरे धीरे करके ख़त्म हो सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल डेंटिस्ट के पास ना विजिट करें, क्योंकि अगर आपके माउथ में ऑलरेडी कैविटी है तो उसका तो ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन आगे से कोई कैविटी ना लगे तो उसके लिए आप ये इस्तेमाल ज़रूर करिए। यह हर कोई एज ग्रुप में हर कोई कर सकता है, इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता है कि इस एज ग्रुप के लोग इसको नहीं कर सकते हैं। कोशिश करिए कि इसको रेगुलर अपनी हैबिट में, अपने रूटीन में लेके आइए। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो कम से कम हफ्ते में 3 या 4 बार तो आप ऑयल पुलिंग करिए, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने ये ट्राई किया है कि नहीं किया है। सो, आपको अगर आई थिंक कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट में, लेकिन इसको इस्तेमाल ज़रूर करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।